हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सो वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज मोमेंटम, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू प्रिपेयर फॉर जेई फाउंडेशन. आज थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों के लिए लैपटॉप वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टूडियो से नहीं कर रहा हूँ. बट ऑन मंडे आई विल बी बैक, सो यू डू नॉट हैव टू वरी. और चलो, तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंपोजिट फंक्शंस के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं. कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शंस बेसिकली एक तरह से मैं तो ये बोलूंगा फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है. हमें बस इतनी जानकारी काफ़ी है कि भाई ये तो फंक्शंस ही होते हैं. और कैसे वर्क करते हैं, क्यों वर्क करते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे. बट सबसे पहले जो हमारे कस्टम्स हैं, उन कस्टम्स को फॉलो कर लिया जाए. 4 बजे टारगेट जेई 2021 मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ. टेलीग्राम पे ये कुछ ग्रुप्स हैं मेरे, और आप लोग चाहें तो इन ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी क्लासेस की अपडेट्स आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहे. ऑल्दो मैं ये बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें एक इंटरेक्टिविटी रहती है और डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड तो आप लोग किसी का भी लेक्चर देख सकते हो. अगर आपको मुझसे मेरी टीचिंग का आप लोगों को एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बेनिफिट लेना है, तो फिर आप लोग लाइव अटेंड कीजिए. ये दोनों ग्रुप्स हैं जहाँ पे वीडियो के लिंक्स की जानकारी मिलती है. 7 बजे मैं प्री आरएमओ लेता हूँ, ठीक है. सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं प्री आरएमओ आरएमओ के, जो 2019 में मैंने प्रिपेयर कराया था बच्चों को. और इस साल का टारगेट हम लोगों ने लिया है 500+. इस मुहिम में ऑलरेडी 800+ स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि 500 से ज़्यादा सेलेक्शंस हम लोग करें, ताकि एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग जनरेट कर सकें इस चीज़ का, कि भाई ऑनलाइन भी रिजल्ट लाए जा सकते हैं. ये KVPY के रिजल्ट्स हैं, ठीक है. प्लस प्लेटफॉर्म और YouTube में क्या क्या डिफरेंस है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है. लाइव क्लासेस दोनों के अंदर है, चैप्टर मॉड्यूल भी दोनों के अंदर है. DPPs प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है रेगुलरली, रिविजन DPPs भी मिलती है, डाउट सॉल्विंग मिलती रहती है, रेगुलर क्विजेज होते हैं, रेगुलर टेस्ट भी होते हैं. क्विज यहाँ पे मेंटी क्विज में करवाता रहता हूँ यूट्यूब पे, बट एक जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग है वो नहीं हो पाती है. सो कोशिश कीजिए कि आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आ सकें. अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली मेरा कोड यूज करना है पीजे लाइव, और फिर @Prashant42Jain यहाँ पे आप लोग मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम पर. ये मेरा आईडी है, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम पे आईडी है. सो आप मुझे बता सकते हैं Prashant42Jain पर, ठीक है. तो दिस इज अबाउट इट. चलिए, और फाउंडेशन पे भी हम लोग का बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है, मेरा, PMS सर का और राहुल पंचोली सर का. तो बैच कोर्स हमारा आ चुका है, तो आप लोग चाहें तो इस बैच कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. फाउंडेशन पे भी सेम है, ठीक है. चलिए, सो हमारा रिचुअल क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना टाइम आएगा, ठीक है. जल्दी से इस रिचुअल को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. और जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल यथार्थ है, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, तो जल्दी से आप लोग बोल लीजिए. और उसी एंथुजियाज्म और उसी एनर्जी से आप लोगों को बोलना है जिस एनर्जी से पॉसिबली रणवीर सिंह ने बोला था दूसरी बार. पहली बार तो बहुत धीरे धीरे बोला था उन्होंने, ठीक है. चलिए, सो कंपोजिट फंक्शंस के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं. कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? कंपोजिट का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, एक तरह से. तो चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. एक अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स की जगह हम लोग इसको लिख लें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5. मान लो ये फंक्शन है मेरे पास. अब देखो ये फंक्शन कैसे बनाए, मैं आपको बताता हूं. मैं बताता हूं आपको ये फंक्शन कैसे बनाए. मान लो मैंने एक फंक्शन लिया एफ टी जो था साइन टी, और फिर मैंने टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5 ले ली. इस तरह से लग रहा है ना आप लोगों को. अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा दोस्तों. अब जैसे ही आपने t को x square minus 4x+5 लिया ना, तो अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा. x एक पॉलिनोमियल है, तो x के सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं. तो डोमेन तो दोस्तों क्या हो गया आपका, r हो गया. ये तो हमें समझ में आ रहा है. बट इस डोमेन की वजह से क्या हुआ, क्या मैं इस t को x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं? फिर क्या मैं बोल सकता हूं कि t, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. तो आपका t जो है ना दोस्तों, वो 1 से इन्फिनिटी हो गया. अब आप देखो
इसका मतलब आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव कहां से कहां तक हो गया, वन से इन्फिनिटी हो गया, वन से इन्फिनिटी हो गया। तो आपका जो ये टी होता ना, ये टी, टी क्या होता, अगर मान लो केवल ये फंक्शन होता तो टी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, टी कुछ भी वैल्यू ले सकता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। साइन एक्स का डोमेन हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है, तो कुछ भी ले सकता था, बट हमने जैसे ही टी को ये डिफाइन किया तो टी की वैल्यूज कुछ लिमिट हो गई, उसकी वजह से रेंज में भी कुछ लिमिटेशन आ सकते हैं। तो कंपोजिट होने से, अभी कंपोजिट का वर्ड, चलो मैं पहले ये वर्ड यूज नहीं करूंगा, पहले हम इसी को देखते हैं, तो इस वजह से हमारा कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आता है। तो अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं एफ टी साइन टी बोल रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिखता आर से माइनस वन से वन। अब मैं क्या करूंगा, टी एफ टी साइन टी माइनस वन से वन, टी को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी दोस्तों, इसकी डोमेन तो आर होगा और रेंज होगी वन से इन्फिनिटी। अब मैंने इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दिया, और इन दोनों को फंक्शन को कंबाइन करके मैंने क्या लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। इसको आइडियली ऐसे लिखना चाहिए एफ टी, ठीक है, और टी की वैल्यू ये रख दी मैंने, राइट, टी की वैल्यू ये है, ये रख दी मैंने, ठीक है। अब मैं कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूं आपके लिए, मतलब ये तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल तो समझ में आ गया, इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। क्योंकि देखो अब यहां पे क्या है ना, एक्चुअली एक गड़बड़ हो गई यहां पे, वो गड़बड़ ये है कि अब जो हमारा फाइनल फंक्शन डिफाइन हुआ ना, ये हमारा फाइनल आउटपुट तो ये है, इसका डोमेन क्या है, आर है, मगर रेंज माइनस वन से वन ही आ रही है, तो रेंज में कुछ चेंज नहीं हुआ। रेंज में इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन बार बार अपनी वैल्यू माइनस वन से वन लेता रहता है, तो इसके डोमेन को लिमिट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर मैं इसी चीज को आपको दूसरा एग्जांपल से समझाता हूं, देखो ये दूसरा एग्जांपल देख रहा हूं, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आज आपको डब्बा बता रहा था एक, कि एक फंक्शन, डबल फंक्शन को एक कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अब यहां पे अपन लोग देखते हैं, मैं आप लोगों को लिए एफ एक्स डिफाइन करूंगा ई की पावर एक्स, ठीक है, और जी एक्स डिफाइन करूंगा मैं एक्स स्क्वायर वापस से माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। अब देखना जी एक्स का डोमेन होगा आर और रेंज होगी वन से इंफिनिटी, जैसा जैसा हम लोगों ने बताया, और ई की पावर एक्स का डोमेन होगा आर और रेंज होती है जीरो से इंफिनिटी। अब आएगा मजा, अब देखना, अब मजा आएगा। अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई मुझे एफ ऑफ जी एक्स एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, ये है एच एक्स। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, एक्स की जगह देखो एफ एक्स ई की पावर एक्स है, तो जी एक्स क्या होगा, ये रख देंगे हम लोग ई की पावर जी एक्स, ई की पावर जी एक्स, है ना। अब देखना दोस्तों मजा आएगा इसके अंदर, कैसे मजा आएगा, ई की पावर जी एक्स, यहां पे जी एक्स की रेंज क्या है, जी एक्स की रेंज क्या है, जी एक्स क्या वैल्यू ले सकता है, वन से इंफिनिटी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों कि क्योंकि जी एक्स वन से इंफिनिटी ही हो सकता है, तो इसकी जो रेंज है ना, अब देखना, अब इसकी रेंज को क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई जो एफ ऑफ जी एक्स की रेंज है, रेंज वो केवल वन से इंफिनिटी, क्योंकि जी एक्स की रेंज वन से इंफिनिटी है, तो ये ई से इंफिनिटी होगी। अब देखो जो ओरिजिनल रेंज थी ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ गया, एफ के अंदर एक्स की जगह जी एक्स डालने से ही इसमें चेंज आ गया। तो अब एच एक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों, एफ ऑफ जी एक्स, और डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो आर ही रहेगा, रेंज क्या हो जाएगी, ई से इंफिनिटी। तो देखो ये जीरो से इंफिनिटी की जगह ई से इंफिनिटी हो गया। बेसिकली देखो कंपोजिट फंक्शन में क्या है, बहुत सिंपल फंक्शंस ले रहा हूं मैं अभी, कंपोजिट फंक्शन में जब डिफिकल्ट फंक्शंस लेंगे तब हमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना पड़ जाएगा, मगर ई की पावर जी एक्स, यहां पे देखो सिंपल एक्स को जी एक्स से रिप्लेस करना होता है। तो एक तरह से अगर मैं इसको डायग्राम से समझूं, तो एक्स गया जी एक्स के अंदर और आउटपुट निकला जी एक्स, फिर जी एक्स गया एफ एक्स के अंदर
और आउटपुट निकला एफ ऑफ जी एक्स। तो इस पूरे डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एच एक्स। ऐसे सोचो आप, आपको बस ये सोचना है कि भाई एक्स जी एक्स के अंदर गया, जी एक्स वैल्यू निकली, उस जी एक्स की वैल्यू को हम लोगों को इसमें डालना है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लो मैंने एफ एक्स लिया वापस से, सिंपल एक्स क्यूब प्लस फोर, और जी एक्स लिया एक्स प्लस टू। अब एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा देखते हैं। एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं एक्स की वैल्यू वन पर। एक्स की वैल्यू वन पर दोस्तों देखो, एक्स की वैल्यू वन में जी एक्स ऑपरेट होगा, जी एक्स थ्री आया, जी एक्स की वैल्यू थ्री डालते ही एफ ऑफ थ्री होगा। एफ ऑफ थ्री क्या है, थ्री क्यूब प्लस फोर, 31। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा एफ ऑफ जी वन क्या हो गया, तो वो होगा 31। अब इसको निकालने का फास्ट तरीका देखते हैं। एफ ऑफ जी एक्स को डिफाइन कर लेते हैं, एक्स प्लस टू का होल क्यूब प्लस फोर। एफ ऑफ जी एक्स यही होगा दोस्तों, एक्स की जगह जी एक्स डाल दिया। तो अब देखो एफ ऑफ जी वन कितना हो गया, एक्स की जगह वन डाला तो थ्री क्यूब प्लस फोर सेम आ रहा है, और सेम ही आएगा। अलग अलग क्यों आएगा भाई, अलग अलग क्यों आएगा, समझे? जल्दी से इसको कॉपी कर लो दोस्तों, ठीक है। देख लेते भाई, अपना वीडियो तो चल रहा है ना, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो दोस्तों, आप लोग इसको करो। कंपोजिट फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन की बिल्कुल बेसिक अभी तक मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई, बस फील करवा रहा हूं मैं आप लोगों को कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। केवल फील कर रहे हैं अभी आप लोग, हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशन नहीं लिखी है, बता रहा हूं। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है ना, आप लोग पता है कमेंट पे लिख सकते हैं, चैट पे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली दिस वीडियो इज नॉट लाइव, तो आप लोग बता सकते हैं इन सब वीडियोस के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपन लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली। देखो डेफिनेशन लिख लेते, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, देन जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो कितना स्टाइल से मैंने लिया है इसको, कि भाई ए की रेंज बी ले लो मान लो, और जी का डोमेन बी बता दो, जरूरी नहीं हो ऑब्वियसली है। तो जी ऑफ एफ एक्स एच एक्स होगा, तो उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी डोमेन देखो, डोमेन क्या होगा, जो एफ एक्स का डोमेन होगा, और रेंज होगी जो जी की रेंज होगी, क्योंकि फाइनली कौन सा फंक्शन एक्ट कर रहा है, जी। फाइनली कौन सा फंक्शन एक्ट कर रहा है, जी। एक्स की वैल्यू किसके अंदर घुस रही है, एफ के अंदर। एफ के अंदर एक्स की वैल्यू कहां से आती है, ए से, तो ए डोमेन हो गया। जी फाइनली आउटपुट है, तो जी का आउटपुट कौन रिकॉर्ड कर रहा है, सी। तो एच एक्स की जो डोमेन होगी वो ए होगी, और रेंज होगी वो सी होगी, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लो अपन एक काम करते हैं, एफ एक्स को हम लोग लेते हैं ई की पावर एक्स, तो ये कहां से कहां तक जाएगा भाइयों, आर से, जीरो से इंफिनिटी। और जी एक्स लेते हैं एल एन एक्स मतलब बेस ई आएगा, जीरो से इंफिनिटी से आर। अब देखना मजा आएगा आप लोगों को। अब मैं एफ ऑफ जी एक्स लेता हूं। एफ ऑफ जी एक्स लेने का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स। अब इसको तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, एक्स हो गया तो एक तरह से, और इसकी रेंज अब कहां से कहां तक आ जाएगी, आर से आर तक, क्योंकि डोमेन किसका लेना है दोस्तों, मतलब रेंज इसकी लेनी है, डोमेन इसका लेना है, आर से आर हो जाएगा होगा नहीं होगा। अब बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, बस एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, हम लोग हमेशा डोमेन कैसे देखते हैं बच्चों, डोमेन हम लोग हमेशा कैसे देखते हैं, ये नहीं होगा बल्कि जीरो से इन्फिनिटी ही होगा, जीरो से इन्फिनिटी। डोमेन हम लोग कैसे देखेंगे दोस्तों, जो ओरिजिनल फंक्शन की डेफिनेशन है ना, यहाँ पे एल एन एक्स आ गया, तो एक्स लिमिट हो गया दोस्तों, एक्स भाइयों जीरो से इन्फिनिटी ही हो सकता है,
ठीक है। अब क्योंकि x जीरो से इन्फिनिटी हो सकता है तो हमारी जो रेंज है वो भी लिमिट हो जाएगी। रेंज कहां से कहां तक लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब एल एन एक्स जीरो से इन्फिनिटी आ गया ना, x जीरो से इन्फिनिटी आ गया तो आपका जो एल एन एक्स है वो तो कहां से कहां तक हो जाएगा, एल एन एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा दोस्तों, आर एल एन एक्स की वैल्यू तो आर आ जाएगी। अगर x की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी ली मैंने तो एल एन एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। एल एन एक्स की वैल्यू जब कुछ भी हो सकती है तो e के ऊपर ये जो भी नंबर लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो रेंज तो क्या आएगी, रेंज तो जीरो से इन्फिनिटी आएगी। तो अब आप देखना क्या किया मैंने यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई ना ये गायब हो जाता है। तो ये गायब हो गया आपका, आपका डोमेन जीरो से इन्फिनिटी से जीरो से इन्फिनिटी आ गया। वापस से समझेंगे हम लोग इसको, वापस से समझो, सुनना सब लोग मेरी बात सुनेंगे अब ध्यान से। एफ एक्स क्या है दोस्तों, ई की पावर एक्स है, आर इसका डोमेन हो गया, रेंज इसकी जीरो से इन्फिनिटी हो गई। जी एक्स एल एन एक्स है, एल एन एक्स का डोमेन जीरो से इन्फिनिटी हो गया, रेंज आर हो गया। अब मैंने एफ ऑफ जी एक्स किया है, एफ ऑफ जी एक्स तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई जी का तो डोमेन ले लेंगे, जी का डोमेन क्या है जीरो से इन्फिनिटी, और एफ की रेंज ले लेंगे, एफ की रेंज ले लेंगे। तो एफ की रेंज जब हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, एफ की रेंज क्या है जीरो से इन्फिनिटी, तो देखो जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी आया, ठीक है। तो और हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व भी किया कि भाई कैसे ऑब्जर्व किया, e की पावर एल एन एक्स होगा ये, e की पावर एल एन एक्स को x तो लिख सकते हैं बट बाद में लिखेंगे, e की पावर एल एन एक्स x जीरो से इन्फिनिटी है तो एल एन एक्स सारी रियल वैल्यूज लेगा। अब जब सारी रियल वैल्यूज लेगा तो e के ऊपर जब सारी रियल वैल्यूज आएंगी तो फाइनली रेंज क्या आएगी, जीरो से इन्फिनिटी। अब अगर मान लो मैं जी ऑफ एफ एक्स लू, जी ऑफ एफ एक्स लू तो वो क्या आएगा, एल एन ऑफ e की पावर x। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप देखना, अब आपको वापस से इस कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करते हैं अपन। fx का डोमेन लेना पड़ेगा, fx का डोमेन क्या है, r। अब देखो e की पावर x हमेशा पॉजिटिव है, तब तो x की कुछ भी वैल्यू लो ना आप यार, क्या दिक्कत है, कुछ भी वैल्यू लो x की, राइट। तो r और फिर रेंज क्या आ जाएगी, अपने आप r आ जाएगी, r से r और ये हो जाएगा x। ये इसको अब आप पक्का f लिख सकते हो, x लिख सकते हो, इसको आप पक्का x लिख सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। फाइनली है ना, हम लोग कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करते ही करते हैं, फाइनली हम लोग कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करते ही करते हैं। अब f ऑफ जी एक्स को बोलते हैं आपका फेवरेट, f ऑफ जी एक्स को क्या बोलते हैं, फॉग x, क्या चल रहा है, फॉग। g ऑफ एफ एक्स को क्या बोलते हैं, गॉफ x, ठीक है। तो ये चीज का हम लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, ये चीज हम लोग ध्यान रख लेंगे, इस तरह से नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। और कंपोजिट फंक्शन हो गए, है ना। अब यहां पे क्विक टिप लिख ली हम लोगों ने, क्विक टिप बहुत इंपॉर्टेंट क्विक टिप है, फॉर f ऑफ जी एक्स देखना, डोमेन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, रेंज इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ g, रेंज ऑफ f। सीधी सी बात है, ऐसा ही तो होगा, क्यों, क्योंकि भाई इनिशियली x किसके अंदर जा रहा है, g के अंदर, तो g उसी x को एंट्री देगा जो उसके डोमेन में है, तो f ऑफ जी एक्स के डोमेन जो होगा वो तो g का सबसेट होगा। फाइनली आउटपुट कहां से निकल रहा है, f से, तो f तो वहीं से आउटपुट देगा जहां से वो दे सकता है जो कि उसका रेंज है, तो रेंज का सबसेट क्या होगा, रेंज ऑफ f का सबसेट, रेंज का सबसेट मतलब रेंज ऑफ f का सबसेट क्या होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इसको एच एक्स बोल देते हैं। तो ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जल्दी से इसको छाप लो। ठीक भाई लोग, डब्बा बना लिया ना वो। अब एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट, इफ इन जनरल,
इन जनरल, यार ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस है, इन जनरल एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स. कंपोजिट मतलब क्या, कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव. आपने बचपन में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ए इंटू बी, बी इंटू ए होता है ना प्रोडक्ट के अंदर, तो वो कम्यूटेटिव होता है, मगर ये कम्यूटेटिव नहीं होता. ठीक है. ये जरूर है मगर एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू, है ना, इस तरह से करा, ये इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स एसोसिएटिव. इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव. एग्जाम्पल लेके बताऊं, देखो इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं. एफ एक्स को लेते हैं एक्स स्क्वायर, जी एक्स को लेते हैं साइन एक्स, एच एक्स को लेते हैं एल एन एक्स. ठीक है, तो जी ऑफ एच एक्स क्या हो गया दोस्तों, एल एच एस निकाल रहे हैं हम लोग, पहले एल एच एस निकालते हैं, यहां पे आर एच एस निकालेंगे. जी ऑफ एच एक्स कितना हो गया, एक एक ऑपरेट करो. देखो साइन तो आएगा एक्स की जगह, एच एक्स आ जाएगा, एल एन एक्स हो गया भाई लोग. ठीक है, अब एफ ऑफ जी एच एक्स कितना हो गया, एक्स की जगह ये आ जाएगा, तो साइन ऑफ एल एन एक्स का स्क्वायर, तो ये एल एच एस हो गया. अब आर एच एस को देखते हैं. आर एच एस में एफ ऑफ जी पहले निकालना है, तो एफ ऑफ जी निकालते हैं पहले. एफ ऑफ जी एक्स कितना हो गया, साइन एक्स का स्क्वायर. अब एफ ऑफ जी इंटू एच एक्स कितना हो गया, एक्स की जगह, तो साइन ऑफ एल एन एक्स का स्क्वायर. राइट, तो ये इक्वल आ गए. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भाई सेटिस्फाई होती है. क्लियर है, जल्दी से इसको छाप लो दोस्तों, जल्दी से इसको छाप लो, जल्दी से इसको छाप लो. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये. लिख लिया आपको दोस्तों, कुछ भी डाउट्स है ना आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स पर डाल देना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊंगा ना उन डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा. ये थोड़ा सा सही तरीका रहता है. ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल किए जाएं. लेट px is equal to, let px is equal to x square minus 5x plus 4. px ये है दोस्तों. ठीक है, qx is equal to mod x plus 4. Find roots of p of qx equal to 0. ये बताओ दोस्तों, मजा आएगा. इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एक से दो मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, प्लीज इसको जल्दी से ट्राई करो.
हो गया भाई लोग, हो गया। चलो अब देखते हैं, अब मैं मेरी बारी आ गई। दोस्तों देखो, एक तरीका तो क्या है, पी ऑफ क्यू एक्स डिफाइन कर लो। पी ऑफ क्यू एक्स डिफाइन कैसे होगा, एक्स प्लस फोर का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर प्लस फोर, ठीक है। फिर अब देखो, आपको पता है कि इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो मॉड एक्स प्लस फोर को टी माना, वापस से वही इक्वेशन बन जाएगी और फिर टी वन और फोर हो जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। एक तो ये हो गया, इससे आप आपका क्या आएगा, एक तो माइनस थ्री आ जाएगा और एक माइनस फाइव आ जाएगा, इससे आपका एक तो जीरो आ जाएगा और एक माइनस एट आ जाएगा। ये चार सॉल्यूशन है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या आएगा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, देखो ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन वाला है, टॉपर्स मेथड जो है वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन वाला है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, मान लो पीएक्स, पीएक्स जीरो कब है, आपको ये पता है कि पी वन जीरो है और पी फोर जीरो है, राइट। ये आप लोगों को पता चल गया, एक्स की वैल्यू वन और फोर डालने पर जीरो आ गया। थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे क्यू एक्स की वैल्यू वन ही तो चाहिए, क्यू एक्स की वैल्यू वन, क्यू एक्स की वैल्यू अगर फोर हो गई, इवेंचुअली देखो क्या है, इवेंचुअली क्या है, वो वैल्यू यहां पे आनी चाहिए जिससे पी जीरो हो जाए। वो वैल्यू क्या है, वन और फोर, तो क्यू एक्स की वैल्यू वन और क्यू एक्स की वैल्यू फोर ले लेंगे। इसका मतलब मॉड एक्स प्लस फोर वन आ गया, मॉड एक्स प्लस फोर फोर आ गया। आपने देखो इतना एफर्ट बचा लिया, बस मैं ये कह रहा हूं, बाकी आप लोग चाहो तो इससे भी कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। बताओ भाई, बताओ। बताओ। फिर एक लेजेंडरी क्वेश्चन करेंगे, फिर एक लेजेंडरी क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एक लेजेंडरी क्वेश्चन आएगा, पहले ये कर लो, फिर एक लेजेंडरी क्वेश्चन आएगा, फिर आप लोग पता ये भी देख सकते हो कि दोनों चीजें, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स अलग अलग आएगा, देखना आपका। हो गया क्या, समझो, हो ही गया, वेरी गुड। अब एफ ऑफ जी एक्स करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ई की पावर साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स आपका कहां से कहां तक होगा, सीधी सी बात है, साइन एक्स कहां से कहां तक होता है, माइनस वन से वन, तो आपका बहुत सिंपल है ना यार, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, ई की पावर साइन एक्स, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, रेंज कहां से कहां तक होगी दोस्तों, ई की पावर माइनस वन से ई की पावर वन, सीधी सी बात है ना। तो इसका डोमेन तो क्या हो गया, डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, R से e की पावर माइनस वन से e की पावर वन हो गया है। सिमिलरली सेकेंड, जी ऑफ एफ एक्स
जी ऑफ एफ एक्स मतलब साइन की पावर, साइन ई की पावर एक्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन की वजह से रेंज जो है वो केवल माइनस वन से वन ही रहेगी, आर से माइनस वन से वन, एक ही आ गया, एक ही आ गया। देख लो भाई, देख लो, क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन पता है सबसे इंपॉर्टेंट अगला वाला क्वेश्चन है, और ये चीज अगर आपको आ गई ना तो दोस्तों आप ये मान के चलना कि बहुत अच्छा आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा फंक्शंस का। इसी के बेस पर, इसी के बेसिस, चलो पहले एक क्वेश्चन खुद करके देखो, इसी के बेसिस पर जो अगला वाला चीज है ना उसी के बेसिस पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई मेन और एडवांस दोनों के अंदर, ठीक है? तो आप लोग खुद ट्राई करो इसको, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू, एक्स कहां से कहां तक है, जीरो से फोर, जी एक्स इक्वल टू टू माइनस मॉड एक्स, एक्स माइनस वन से थ्री, फाइन एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो दोस्तों, डोमेन लिमिट हो चुका है, इस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो देखो और बताओ कि क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है? पॉइंटर की इंक चेंज कर लेता हूं मैं तब तक, अब दूसरी इंक में करेंगे यार का। चलो बताओ भाई लोग, हो गया? चलो डिफाइन किया जाए। डिफाइन किया जाए एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स को। एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, अब देखना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, देखना एफ ऑफ जी एक्स मैं करके बताता हूं आपको, फिर जी ऑफ एफ एक्स आप खुद करोगे, है ना? तो एफ एक्स क्या है मेरा, माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू, ठीक है? अब मैं एक काम करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस में है ना हमेशा क्या है, अच्छे बच्चों की तरह ग्राफ बना के रख लो, एफ एक्स का ग्राफ मैं बना रहा हूं, जीरो से फोर मुझे बनाना है, ठीक है? तो ये टू है, मॉड एक्स माइनस टू जीरो पे वैल्यू वन आएगी, वन पर जीरो आएगी और टू पर माइनस वन आएगी, थ्री पर फिर से जीरो आ जाएगी, ये हो गया। कहां तक जा रहा है, वन और माइनस वन, ठीक? ठीक भाई लोग, ये एफ एक्स का ग्राफ है, जी एक्स का भी साइड में बना के रख लेते हैं ताकि देखो, अब पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स, बचपन में बता दिया था मैंने आपको ये बात, अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स। माइनस वन से थ्री तक इसको प्लॉट करना है, जीरो पे इसकी वैल्यू टू होगी, है ना? माइनस वन पे इसकी वैल्यू वन होगी और थ्री पर इसकी वैल्यू माइनस वन होगी, ये हो गया भाई लोग। तो ये भी माइनस वन से वन ही जा रहा है, रेंज तो दोनों की सेम ही है। अब अपन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ जी एक्स को, अब देखना कितना आसानी रहेगा। अब क्या बोल रहा है ये, एक्स जीरो से फोर है, तो मैं क्या करूंगा, हमें बचपन में बता दिया गया था ये चीज कि भाई जी एक्स है ना, एक्स की जगह जी एक्स हर जगह आ जाएगा, तो हर जगह कर देंगे अपन, लिख देंगे, डर थोड़ी लगता है हमें, ये लो लिख दिया,
अब पहले इसको डिफाइन करेंगे हम लोग भाई, जीएक्स जीरो से फोर कब है, जीएक्स जीरो से फोर कब है, देखो जीएक्स जीरो से फोर है माइनस वन से वन के लिए, ये रहा जीएक्स आपका, जीएक्स जीरो से फोर देखो ग्राफ में, देखो ग्राफ में, तो इसको मैं चेंज करूंगा एक्स जीरो से, सॉरी एक्स होगा माइनस वन से प्लस वन तक, एक्स होगा माइनस वन से वन तक, माइनस वन से वन क्योंकि जी एक्स जीरो से फोर है। अब देखना एक्स की डेफिनेशन आ गई आपकी, यहां प्लस आएगा, अब अपन लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की डेफिनेशन तो एक ही है, माइनस वन प्लस टू माइनस मॉड एक्स माइनस टू। तो ये देखो अब किस्मत अच्छी है आपकी कि भाई एफ ऑफ जी एक्स अच्छा बन गया, माइनस वन प्लस मॉड एक्स, ठीक है। एक्स कहां से कहां तक है दोस्तों, माइनस वन से वन। अब इसको अच्छे बच्चों की तरह डिफाइन कर लो, इशू किस में आएगा, मॉड एक्स में ही तो आएगा। तो एक्स जब माइनस वन से जीरो है तो एक्स नेगेटिवली ओपन होगा, इसको एच एक्स बोल दूं क्या, एच वन एक्स बोल देता हूं, ये होगा माइनस वन माइनस एक्स, और माइनस माइनस वन प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स जीरो से वन है, जीरो से वन में मॉड एक्स पॉजिटिवली ओपन होता है तो यहां पे ऐसा आ जाएगा, नेगेटिवली ओपन कहां पे होता है, नेगेटिव पे, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ गया दोस्तों ये, ठीक है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। वैसे देखो ये कंपोजिट फंक्शन मेरे को तो एक बार में समझ में नहीं आया था, अगर आपको नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब काफी चांसेस है कि आपके आईआईटी में 42 रैंक आ जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था पहली बार में समझ में, ठीक है। तो काफी चांसेस है कि आप लोगों की भी 42 रैंक आ जाए आईआईटी में, तो डरने की दिक्कत नहीं है इसके। पता है कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगातार करना पड़ता है, ठीक है। और जब भी हम कोई भी चीज़ लगातार करते हैं तो हमें सक्सेस तो मिलती है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है, चलो So, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद को ट्राई करना है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद को ट्राई करना है ना, दूसरा क्वेश्चन खुद ट्राई करना है आपको, जी ऑफ एफ एक्स, करना एक ही चीज है, जी ऑफ एफ एक्स मतलब हर जगह जी में एफ एक्स रख दो, टू माइनस मॉड एफ एक्स, टू माइनस मॉड एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस वन से थ्री। अब जीवन में दोस्तों माइनस वन से थ्री ये हमेशा ही है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो से फोर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, जीरो से फोर। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, टू माइनस मॉड एफ एक्स, क्या है मॉड एक्स माइनस टू माइनस वन। बड़े ही कम शब्दों में आपको समझा दिया गया है, अब मजा आएगा। मगर यहाँ पे क्यों मजा आएगा, क्योंकि दो मॉड आ गए, दो मॉड मतलब दो डेफिनेशन, दो डेफिनेशन, चलो वेरी गुड। तो अब अपन एक काम करेंगे, देखो सबसे पहले एक्स को जीरो से टू करेंगे, जीरो से टू क्यों, क्योंकि ये देखो इसकी वजह से डेफिनेशन चेंज होगी, तो मैं डायरेक्टली डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। तो टू माइनस पॉजिटिवली ओपन नहीं होगा, नेगेटिवली ओपन होगा ये, क्योंकि क्या है ये एक्स जीरो से टू है, तो टू माइनस एक्स माइनस वन, तो ये क्या आ गया दोस्तों, टू माइनस वन, एक्स माइनस वन लिख देते हैं इसको, जीरो से टू। अब इसको वापस से डिफाइन करना पड़ेगा बच्चों, वापस से कैसे डिफाइन होगा, यहां पे डिफाइन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एक्स माइनस वन है तो एक्स जब जीरो से वन हो जाएगा तो नेगेटिवली ओपन होगा, ये नेगेटिवली ओपन होगा, नेगेटिवली मतलब वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स मतलब वन प्लस एक्स हो गया है जीरो से वन के लिए। अब देखो वन बेटा आपने यहां इंक्लूड कर लिया ना, तो दूसरी बार वन इंक्लूड यहां नहीं कर सकते आप, यहां पे ओपन कर रखना पड़ेगा इसको, टू पे क्लोज कर लो, टू पे वन से टू में ये पॉजिटिवली ओपन होगा, एक्स माइनस वन की तरह एक्स माइनस वन ही होगा, तो माइनस एक्स और थ्री, थ्री माइनस एक्स आ जाएगा, थ्री माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस वन एज इट इज एक्स माइनस वन की तरह ओपन होगा, ठीक है। फिर एक्स जब टू से फोर है, अब देखो
वापस से बच्चों ये प्लीज ध्यान रखो, मैंने यहां पे इक्वालिटी ले ली तो यहां पे नहीं लूंगा, क्योंकि फंक्शन की केवल एक ही डेफिनेशन होती है, एक पॉइंट पे एक ही डेफिनेशन होती है, तभी तो वो फंक्शन होता है। ये बेसिक चीज मत भूल जाना आप इतनी बड़ी बड़ी बातों के बीच में, ठीक है। तो 2 से 4 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 माइनस मॉड, अब ये नेगेटिवली ओपन नहीं होगा, पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा, मतलब मॉड एक्स माइनस 3, ठीक है बंधुओं। अब वापस से करो, जब एक्स 2 से 3, अब 3 पे क्लोज ले लो, चलो तुमने तुम भी क्या याद रखोगे, 3 पे क्लोज ले लो बस, और फिर एक्स 3 पे ओपन, 4 पे क्लोज्ड, 3 तक नेगेटिव हो गए, नेगेटिवली ओपन होगा, 3 माइनस एक्स की तरह ओपन होगा, 3 माइनस एक्स की तरह ओपन होगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस वन हो जाएगा। फिर 3 के बाद पॉजिटिवली ओपन होगा तो माइनस एक्स और 5, तो ये 4 डेफिनेशन आएगी। जी ऑफ एफ एक्स सबसे टफ था, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया दोस्तों बिल्कुल, मैं तो हमेशा पता है मैंने जो शॉर्टकट निकाला था ना इसका मेरे टाइम पे, मैं तो क्या करता था ग्राफ बना देता था फिर पिक्चर से देखता था मैंने क्या किया है। वापस से समझो इसको, पूरे डेफिनेशन को वापस समझो, जी ऑफ एफ एक्स इवेंचुअली आप सोचो 4 डेफिनेशन हो गई। अब इसको समझते हैं अपन भाई लोग, जी ऑफ एफ एक्स 2 माइनस मॉड एफ एक्स हो गया, ये तो समझ में आ गया, और एफ एक्स माइनस 1 से 3 हो गया। अब एफ एक्स माइनस 1 से 3 हर जगह, माइनस 1 से 3 कहां पे आएगा, 0 से 4, ठीक है। तो x हो गया 0 से 4, अब x 0 से 4 ये डेफिनेशन आ गई। अब 0 से 4 में क्या हो गया, दो मॉड आ गए, मतलब 4 डेफिनेशन आएगी, क्योंकि 2 पे पहले तो मैंने तोड़ा इसको, क्योंकि 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, 2 पे क्रिटिकल पॉइंट तोड़ के मेरा 0 से 2 पे ये वाली डेफिनेशन आ गई, फिर इसको फर्दर 2 बार डेफिनेशन में तोड़ा, तो फाइनल मेरे ये आंसर आ जाएंगे। अब आपको 2-3 चीजें मैं ऑब्जर्व करवा देता हूं यहां पे। देखो यहां पे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था एफ ऑफ जी एक्स है, तो मैंने क्या बताया था, डोमेन जी एक्स का सबसेट होगा। जी एक्स क्या है, -1 से 3। अब देखो फाइनली डोमेन क्या आ रहा है, -1 से 1, तो क्या ये जी एक्स का सबसेट आ गया, बिल्कुल सही है। रेंज मैंने बताया था एफ ऑफ जी एक्स की सबसेट होगी, मतलब एफ एक्स की सबसेट होगी, यहां पे रेंज -1 से 1 आ रही है, फाइनल आंसर में देखना आप, यहां पे भी -1 से 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व कर सकते हो आप दोनों एक के अंदर, जी ऑफ एफ एक्स में डोमेन जो है वो एफ एक्स का, एफ एक्स के डोमेन का सबसेट आएगा। ऑल्दो यहां देखो एफ एक्स का डोमेन क्या है, 0 से 4, यहां पे भी 0 से 4 आ गया, अच्छी बात है, सबसेट ही तो है, अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए, छाप लो भाई लोग इसको, छाप लो यार, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इंक चेंज कर लेते हैं अपन पहले, चलो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कंपोजिट फंक्शन का। हाँ ये हुई ना बात, देखो लेंथी क्वेश्चन है बट मजा आएगा आप लोगों। एफ एक्स को मान लेते हैं अपन लोग, 3 डेफिनेशन है एफ एक्स की, x+1, 2x+1, -x+7, x<= 4 के लिए ये x 4 से 9, देखो कितनी हम ध्यान रखते हैं, एक बार 4 के लिए डिफाइन हो गया तो वापस से नहीं होगा 4 के लिए डिफाइन, और ये x<9 है। मल्टीपल डेफिनेशन आते ही मजा आ जाता है, मतलब मुझे आता है, सबको मजा आए जरूरी नहीं है। x²(x+2), x-1 से 3, x 3 से 5। अब कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है आपको, निकालो कंपोजिट फंक्शन निकालना है आपको एफ ऑफ जी एक्स, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं इसको। देखो यार देखा जाए तो है तो इजी क्वेश्चन, मतलब बस लेंथी है, अगर आप लोगों ने सब्र रखा जैसे मैंने रखा था पिछले क्वेश्चन में तो पक्का आंसर आएगा आपका, 3 डेफिनेशंस में आपका आंसर खत्म हो जाएगा, 3 डेफिनेशंस आएंगी, ठीक है। कैलकुलस के बारे में एक चीज बताता हूं दोस्तों, कैलकुलस क्या है, प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल मतलब कुछ प्रोसेस होती है जिनको आपको फॉलो करना है, अगर आप वो फॉलो करोगे ना तो पक्का आंसर आएगा और वो करेक्ट आएगा,
है ना, ये चीज मेरे को लगता है। बताओ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। बताओ हो गया। चलो अब मैं बताऊंगा आपको, देखो करना क्या था, हमें याद आ गया होगा आपको करना क्या था, एफ ऑफ जी एक्स, हर जगह जी एक्स लिखूंगा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, जी एक्स प्लस वन व्हेन जी एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, 2gx प्लस 1 जब gx 4 से 9 है, और अब देखो पता है इस मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का अलग हो सकता है, माइनस gx प्लस 7 gx ग्रेटर देन 9, हर जगह रिप्लेस कर दिया। अब मेरे को gx को एनालाइज करने के लिए gx का ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि gx लेस देन इक्वल टू 4 देखना है, 4 से 9 देखना है, ग्रेटर देन 9 देखना है। अब देखता हूं, माइनस 1 से 3 में एक्स स्क्वायर है, ये देखो माइनस वन से एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया 9, ठीक ये हो गया, ये तो मुझे क्लियर हो गया। अब 3 से 5 में x प्लस 2 है, 3 से 5 में ये क्या है x प्लस 2 है, और 3 पे इक्वालिटी है ना, 3 से 5 में ये कितना था x प्लस 2, यहां पे देखो इक्वालिटी नहीं है ना यहां पे, इसलिए मैंने ओपन गोला लगा दिया, ओपन गोला लगा दिया। अब 3 से 5 में क्या हो गया 5, 3 पर वैल्यू 5 आएगी, 5 से ये 7 तक जा रहा है, ये ग्राफ आ गया दोस्तों। अब देखना, अब मैं देखता हूं कि ये gx लेस देन इक्वल टू 4 कब है, अब देखना इसको ध्यान से देखना मैं कैसे क्या कर रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा। gx लेस देन इक्वल टू 4 कब है, gx लेस देन इक्वल टू 4 है एक तो x x माइनस 1 से 2 और x 3 से नहीं, बस यही है लेस देन इक्वल टू 4 तो यही है क्योंकि 5 से ऊपर निकल गया हो, ठीक है माइनस 1 से 2। अब देखो gx प्लस 1 लिखना है, अब x जब माइनस वन से टू है तो एक्स स्क्वायर डेफिनेशन आएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया,
अब ये भी देखते रहो, x जब माइनस वन से टू है दोस्तों तो जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ले लिया। अब सेकंड, सेकंड वाला कन्वर्ट करते हैं, सेकंड जी एक्स फोर से नाइन कब है, जी एक्स फोर से नाइन कब है दोस्तों, ग्रेटर देन नाइन तो है ही नहीं, ग्रेटर देन नाइन तो है ही नहीं, चिल्ड आउट मामला है। तो एक्स, अब देखना एक्स टू से या ग्रेटर आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, से थ्री तक बच्चों नाइन है, और ये यहां पे भी इक्वालिटी नहीं आएगी। टू से थ्री में जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा टू जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, समझे आप लोग। मैंने थ्री पे इसको डिवाइड क्यों किया, बेसिकली देखो फोर से नाइन, अगर मैं फोर से नाइन देखूंगा ना तो एक्स कहां से कहां तक है, फोर से नाइन, एक्स ग्रेटर देन टू से लेकर फाइव तक फोर से नाइन है, देख लो आप, ये रहा टू वैल्यू, टू से लेकर फाइव तक फोर से नाइन के बीच में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मैंने इसको थ्री पे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मेरी डेफिनेशन चेंज हो रही है थ्री पर, राइट, तो मैंने टू से थ्री पर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दिया, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा एक्स ग्रेटर देन थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री से फाइव तक, वहां पे मेरी डेफिनेशन क्या है बच्चों, एक्स प्लस टू है। बट मुझे फोर से नाइन में डेफिनेशन क्या रखनी है, टू जी एक्स प्लस वन, तो टू इन टू जी एक्स क्या होगा यहां पे, एक्स प्लस टू प्लस वन, मतलब ये कितना हो गया टू एक्स प्लस थ्री। इसका मतलब ये डेफिनेशन कभी भी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि जी एक्स ग्रेटर देन नाइन कभी है ही नहीं, जी एक्स ग्रेटर देन नाइन कभी है ही नहीं, राइट। तो आपका आंसर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स प्लस थ्री इन इंटरवल्स में। जल्दी से देख लो इसको दोस्तों, वापस से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको एक बार, मेरे को पता है कि इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, जल्दी से देख लो इसको। टू एक्स प्लस फाइव आएगा, हाँ सॉरी, टू एक्स प्लस फाइव आएगा यहाँ पे, टू इंटू टू फोर होता है, याद रखें दोस्तों, हम लोग कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, टू इंटू टू फोर होता है, ठीक है। हे भगवान, तो क्या किया हम लोगों ने, वापस से देखो, पहले तो जी एक्स रिप्लेस किया, फिर जी एक्स की रेंज देखी, जी एक्स लेस देन इक्वल टू फोर कब है, माइनस वन से टू, माइनस वन से टू में जी एक्स की डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। जी एक्स फोर से नाइन कब है, टू से फाइव है वैसे तो, बट टू से थ्री में इसकी डेफिनेशन एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए ये आ गया। तो ये क्लियरली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब एक गुड बाय क्वेश्चन करते हैं। गुड बाय क्वेश्चन का मतलब क्या होता है मित्रों, गुड बाय का मतलब होता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, जी बी क्यू गुड बाय क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इक्वल टू रूट टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस जीरो, इसका मतलब होता है दोस्तों रैशनल, रैशनल जीरो के अलावा सभी रैशनल नंबर्स पे इसकी डेफिनेशन ये है, और थ्री एक्स व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, मतलब या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब जब एक्स इरेशनल होगा तो थ्री एक्स डेफिनेशन होगी, रूट टू एक्स, ये ड्रिशलेट फंक्शंस कहते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। डिफाइन एफ ऑफ एफ एक्स, मजा आएगा इसको करने में, ऑल्सो डिफाइन, ऑल्सो डिफाइन एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स एन टाइम्स है। अब सोचो आप, बेसिकली देखो मैं आपको पहले तो प्रिमाइस समझाता हूं इसका, जैसे f ऑफ वन है ना, ये क्या होगा, क्या वन रैशनल है, बिल्कुल है, तो ये वाली डेफिनेशन होगी f ऑफ वन रूट टू आ जाएगा, ठीक है। तो और f ऑफ रूट टू देखते हैं, f ऑफ रूट टू क्या होगा, x, क्या x इरेशनल है, बिल्कुल है, तो 3x वाली डेफिनेशन आएगी थ्री रूट टू, छाप लो। तो अब इसको करो दोस्तों, करो, अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये।
एफ ऑफ एफ एक्स तो निकाल लिया होगा आप लोगों ने, आपका जो मंथन होगा वो एफ ऑफ एफ एक्स का होगा, दिमाग में आपके यही चल रहा होगा कि भाई एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ 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 क्या होगा, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं क्वेश्चन कर दूं। तो दोस्तों f ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, रूट टू एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज क्यू माइनस जीरो एंड थ्री एफ एक्स व्हेन एफ एक्स। अब देखो अब आएगा मजा इसके अंदर। गड़बड़ ये है कि भाई एफ एक्स अगर आप देखोगे ना, एफ एक्स इज ऑलवेज, एफ एक्स इज ऑलवेज इरेशनल, करके देख लो आप कुछ भी वैल्यू डालो, क्योंकि देखो जैसे आप एक्स को रैशनल लोगे ना वो इरेशनल हो जाएगा इसकी वजह से, और जब एक्स रैशनल है एक्स इरेशनल है तो थ्री मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं करेगा वो तो इरेशनल रखेगा, तो एफ एक्स इज ऑलवेज इरेशनल। तो एफ एक्स की ये डेफिनेशन कभी आ ही नहीं पाएगी, ये डेफिनेशन कभी आ ही नहीं पाएगी। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा दोस्तों, एफ एक्स हमेशा इरेशनल है तो थ्री, और देखो एक्स जब क्यू माइनस जीरो है तो एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, रूट टू एक्स, और एफ एक्स की डेफिनेशन यहां पे क्या आएगी, जब एक्स इरेशनल है तो एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, थ्री एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो गया दोस्तों, थ्री रूट टू एक्स और नाइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस जीरो और एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर है? नहीं भी होगा तो मतलब अगर नहीं भी होगा तो आप मुझे बता नहीं पाओगे क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं, बड़ी खुशी की बात है ये। तो अब एन टाइम्स ले लेते हैं, अगर आप एन टाइम्स लोगे ना तो आप पैटर्न देख सकते हो कि ये एक्चुअली ये आएगा 3 की पावर n माइनस 1 रूट टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू q माइनस 0 और 3 की पावर n x व्हेन x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दोस्तों गुड बाय क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया, कोशिश की है मैंने थोड़ा सा सिंपलिस्टिकली आपको बताऊं। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग प्लीज डालिए कमेंट में ताकि मैं आप लोगों की दुविधा सॉल्व कर सकूं, है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग इनवर्स फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आईटीएफ डिस्कस करेंगे। सो होमवर्क दोस्तों यही है कि कंपोजिट आप लोगों को जो मैंने मॉड्यूल डाला हुआ है उससे पढ़ना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर हम लोग खुद सॉल्व करेंगे इनवर्स के क्वेश्चन को, इनवर्स को डिफाइन करेंगे, डोमेन रेंज की चर्चा होगी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों को करने हैं, है ना। और फिर उसके बाद आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा फंक्शन के अंदर, मेंटी क्विजेज होंगे बहुत सारे। सो प्लीज गिव द फीडबैक, जो भी आप लोगों का फीडबैक है अच्छा बुरा, और अगर आप लोग मेरे वीडियो देख के खुश होते हैं तो प्लीज इनको शेयर भी करो। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और मेरा कोड जरूर यूज करना दोस्तों अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हो तो। और मुझे कहाँ बताओगे, @prashant42jain, prashant42jain पर आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि यू रिमेन नोटिफाइड। थैंक यू।